बहादुर यादव जी, रागनी सोनकर जी, विशाल यादव जी, जय हिंद यादव जी, राजेंद्र पाल धनकर जी, राजेश यादव जी, दशरथ कनौजिया जी, हमारे सभी बुजुर्ग जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, मंच छोटे मंच में मौजूद हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण, हमारी माताएं बहने, हमारे युवा साथी, और मैं देख रही हूँ उस तरफ भी बहुत लोग खड़े हैं और इस तरफ भी, आप सबका आभार धन्यवाद। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, आज उन्हें समझ आ गया है कि मौसम बदल गया है, नया सवेरा जहां हमारे युवाओं की आशाएं पूरी होंगी, जहां हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं की, बेटियों की आशाओं को पूरा किया जाएगा, और जहां हम सब मिलकर साथ चलेंगे। ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और अगर मछली शहर में कुछ लोग आ जाएं और दूरबीन लेके भी निकलेंगे तो उनको यहां से कोई समर्थन मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, आवाज नहीं आ रही, उधर जाओ, इतना प्यार, इतना सम्मान भूलूंगी नहीं, मछली शहर को मैं भूलूंगी नहीं। जो प्यार, जो सम्मान आपने आज मुझे दिया है उसके बहुत बहुत आभार। 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और पूरा गठबंधन साथ खड़ा है और ऐसी सरकार बनाने जा रहा है जो लोगों के हक, लोगों के सम्मान और लोगों की भागीदारी की बात करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि बिटिया खड़ी है कि नहीं खड़ी है इस बार चुनाव में, किसकी जिम्मेदारी है बिटिया को जिताने की? मेरा मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सब कहते हैं युवाओं को आना चाहिए राजनीति में और पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए, पढ़ी लिखी है, युवा है, तो तैयार है आप सब लोग? मैं देखूंगी कितने वोट से जीत के आएंगी ये। मछली शहर को मैं याद रखूंगी हमेशा। एक लोग ठीक है, मैं देखूंगी। हवाई चप्पल और हवाई जहाज की बात करने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्होंने लोगों को पैदल कर दिया है, सारी की सारी नौकरियां खा गए, हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई अड्डे भी बेच दिए, रेलवे भी बेच दी और रेलवे की जमीनों का भी काम लगा दिया है, और आपकी नौकरियां तो गई। क्या आपको लगता है आपको नौकरियां मिलेंगी? महिला सुरक्षा के नाम पे क्या क्या दावे करते हैं ये लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब 2017 के चुनाव थे उस समय जब 5 साल की सरकार समाजवादियों की बन गई थी, तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में कम हुए थे, NCERB के आंकड़े हैं ये। लेकिन आज इन्हीं आंकड़ों को आप उठा के देख लीजिएगा तो 2022 में ये आंकड़े न जाने कितने बढ़ गए हैं।
और उत्तर प्रदेश नंबर वन बन गया है महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न में। और मैं आप लोगों को कह के जा रही हूँ कि अगले 5 साल जब समाजवादी पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उसको हम कम करके ही दब लेंगे। 5 साल के अंदर इन अपराधों को कम करके ही हम सब दब लेंगे। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ ये परिवार वाले लोग ही समझ सकते हैं। उस बेटी को अंतिम संस्कार करने का भी नहीं मौका मिला गया है। जो बिना परिवार के लोग हैं वो अपनी बेटियों का दर्द क्या समझेंगे। जो बेरोजगार युवा हैं उनका दर्द क्या समझेंगे। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें रोज जूझना पड़ता है महंगाई से, जिन्हें रोज जूझना पड़ता है महंगाई से, किस हिसाब से वो चलती होंगी। ये लोग बिना परिवार वाले लोग ये दर्द कभी नहीं समझ सकते हैं। किसान की क्या हालत है बताइए, किसान की क्या हालत है। काले कानून लाए गए, 700 किसानों ने अपनी जान खोई, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जिन्हें इस बात का कोई दुख ही नहीं था। और कैसे हमारे किसान भाई को रोन दिया गया गाड़ी के तहत। बुलडोजर की बात करने वालों के शासनकाल में क्या हुआ, हमारे किसानों को रोंदा गया गाड़ियों से। रोंदा गया था कि नहीं किया था। आज वही लोग खुलेआम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का कानून राज है बताइए। हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, अलाहाबाद की बेटियां, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ये जो गलत फहमी पैदा करते हैं कानून व्यवस्था, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम कानून व्यवस्था के ऐसे काम करेंगे जो इतिहास बनेंगे। पेट्रोल सिलेंडर के क्या दाम है बताइए। राशन दे रहे हैं ये लोग राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज, और कब तक देंगे। यानी दे रहे, चलो कहा है, ये तो बातें बनाने वाली सरकार है। तो इन लोगों ने कहा है कि ये मार्च तक ये राशन दिया जाएगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाती हूँ कि पूरे 5 साल तक इस राशन को बंटवाया जाएगा। और इस राशन में चावल और गेहूं के साथ साथ तेल, सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा तो दिया जाएगा। सभी रिक्त पद भरे जाएंगे, युवा लोग सुन लीजिए, सारे रिक्त पद भरे जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और महिलाओं के लिए मैं विशेषकर कहना चाहूंगी कि सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कन्या विद्या धन की योजना में 12वीं क्लास छात्राओं को 36,000 रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। लड़कियों की शिक्षा, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त की जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत जहां पहले 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए दिए जाते थे प्रति माह, अब ये राशि बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। और 1 करोड़ महिलाओं को ये राशि दी जाएगी। लैपटॉप मिला यहाँ पे। जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो गांव-गांव लैपटॉप पहुंचा था कि नहीं। ये खाली लैपटॉप नहीं था, ये हमारे युवाओं के अरमान थे, उनकी उम्मीदें थी जिससे कि वे अपना कल संभाल सके। लेकिन मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य निगल लिया है। बड़ा सा ये मगरमच्छ है और इसने, मछली शहर में मैं आई हूँ तो बड़े से मगरमच्छ ने उत्तर प्रदेश के भविष्य को निगल लिया है। और अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी
बहन को अपनी बेटी को नाम से जुटा के भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सोच जो है वो विकासवादी सोच है। हम सब लोग साथ हैं, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, जहां महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जहां महिलाओं को पेंशन मिलेगी। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आज मैं कह के जाऊंगी कि पुलिस भर्ती में भी हम 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे और इसी के साथ एक पुलिस महिला इकाई भी बनाई जाएगी। पुलिस महिला इकाई जो महिलाओं के ही लिए ही काम करेगी। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार देती हूँ। आप सब हाँ छोटे मंच के नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार को और सभी हमारे विद्यार्थी नेताओं को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि राजनीति को भी जाके भेजेंगे।